आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर एक को अपने काम की टेंशन है, तो वहीं आपको कुछ रिलैक्स करने के लिए हम लेकर आए हैं वॉइस डेली के एक ब्रांड न्यू एपिसोड, जिसमें हंसाने और हैरान कर देने वाली बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आप नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिएगा, तभी तो ऐसी दिलचस्प वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहेंगी। शुरू करते हैं इस खुशकिस्मत इंसान से जो बैठे बिठाए कब्र में उतरते उतरते बच गया। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि समंदर में ट्रैवल करते हुए शिप्स किस तरह ब्रेक लगाते हैं और अगर उनकी ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, जिसमें बंदरगाह की तरफ आता हुआ ये क्रूज शिप कुछ ज्यादा ही स्पीड में था और रुकते रुकते फेरी से टकरा गया। देखिए तो लोग कैसे जान बचाने के लिए फेरी से बाहर कूद रहे हैं। अगर जेब में पैसे ना हो तो रेडी से खाने वाले इन भाई साहब का आइडिया बुरा नहीं है। ब्लू शर्ट पहने ये लड़का अपनी प्लेट में खाने की चीज डलवा कर तैयारी कर ही रहा था शुरू करने की, मगर जो ही उसकी निगाह पीछे की जानिब गई तो साथ खड़े आदमी ने बड़ी होशियारी और तेजी के साथ उसकी प्लेट में से चीज उठाकर अपनी प्लेट में डाल ली। और जिस बेचारे ने पैसे देकर वो चीज खरीदी थी, वो बस हैरानी से इधर उधर ही देखता रहा कि खाना अभी तो यहाँ पर था, आसमान खा गया या जमीन निगल गई। वैसे मालूम नहीं कि खाना चुराने वाला वो आदमी बेचारा गरीब था या आदि चोर, और हम ये समझ नहीं पा रहे कि इस ऊंट का ज्वेलरी शॉप में घुसने का क्या काम था। वैसे इन लड़कों की जगह कोई और भी होता तो शायद इस आवारा ऊंट को देखकर इसी तरह खौफजदा होता। बड़ों की तरह आजकल बच्चों में भी टिकटॉक और शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाने का जुनून जाग उठा है। ये क्यूट सी बच्ची भी अपनी अम्मा की साड़ी पहनकर डांस की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और इसकी परफॉर्मेंस पर लाइव दाद देने के लिए वहाँ पर एक कॉकरोच निकल आता है, बस पर बेचारी की सारी रील मलियामेट होकर रह गई। ये जान लीजिए दोस्तों के सोशल मीडिया की हर वायरल पिक्चर या वीडियो के पीछे बहुत सी नाकामियां भी होती हैं। हमारी अगली वीडियो देखकर आप भी मान जाओगे कि बाज सिचुएशंस में स्किल से ज्यादा लक इम्पोर्टेंट होती है, और जरा आप भी देखकर बताइए कि ये पायलट अपनी खुशकिस्मती से जिंदा बचा है या अपनी महारत की वजह से। उस पायलट का तो हमें अंदाजा नहीं, लेकिन ये इस मजदूर का जरूर लकी डे था, तभी तो वो अच्छी खासी तबाही से बच निकला। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स परफेक्ट लोकेशन के चक्कर में बहुत डेडिकेटेड होते हैं, मगर इन मोहतरमा की डेडिकेशन के तो क्या ही कहने कि इन्हें अपने टिकटॉक या रील बनाने के लिए परफेक्ट लोकेशन मिली इनका वॉशरूम। फ्लश की टैंकी पर रखा अपना मोबाइल, म्यूजिक चालू किया और परफॉर्मेंस शुरू। वैसे दोस्तों, हमारा ख्याल ये है कि दुनिया भर के 90% से ज्यादा टिकटॉकर्स को उनके पेरेंट्स ये काम करने से रोकते होंगे, लेकिन इस खुशकिस्मत कंटेंट क्रिएटर ही को देख लीजिए कि शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प कर रहे हैं। अम्मा की साड़ी के कपड़े से बैकग्राउंड रेडी किया गया, मोबाइल कैमरा की फ्लैश ऑन की, जुल्फे हवा में उड़ाने के लिए अब्बा जान के हाथ में पंखा थमा दिया और स्मोक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए माँ के हाथ में पाउडर थमा कर उसे फूंकों से उड़ाने का बोल दिया। अब ये मालूम नहीं कि बंदा ऐसे माँ बाप की सोच पर सर पकड़ कर बैठे या ऐसी औलाद पर। दोस्तों, कहते हैं लव इज ब्लाइंड, लेकिन ये लवर तो अपने प्यार में खुद ही अंधा हो गया। इसकी गर्लफ्रेंड ने कैसे आंखों पर पट्टी बांधकर इसे मामू बनाया, ये सारी वीडियो देखने से ताल्लुक रखती है।
व्यूअर्स, आपने देसी शादियों की वो वीडियोस तो देखी होंगी जिनमें दुल्हा निकाह पढ़ाने वाले मौलवी से कोई मजाक करता है और मौलवी नाराज होकर निकाह पढ़ाने से ही इनकार कर देता है। लेकिन हम आपको बताएं कि ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं होता। चर्च में इस दुल्हे ने पादरी के पूछने पर हाँ कहने की बजाय जब मजाक में ना बोला तो प्रीस्ट ने गुस्से में आकर रजिस्टर उठाया और वहाँ से चला गया। दुल्हे मियाँ बेचारे मुँह देखते रह गए। शादी के बाद ये दुल्हे मियाँ अपनी बीबी का काम आसान करने के लिए खुद बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहे थे। अपने हस्बैंड को इतनी मेहनत करते देखकर बीबी उसकी हेल्प करने के लिए आगे आती है। अब शायद उसने कोई रात के वक्त फेस मास्क लगाया हुआ था, तभी तो जब वो अपने हस्बैंड को टच करती है तो वो बेचारा डर के मारे चीखने लगता है। तो हम तो तमाम बीवियों से यही कहेंगे कि कमजोर दिल हस्बैंड्स को कम से कम ऐसे भयानक सरप्राइजेस तो ना दिया करो। दोस्तों, यूनिवर्सिटी से पास आउट होना और अपने ग्रेजुएशन डे पर जिस कदर स्टूडेंट्स को खुशी होती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। भाई जाहिर है, जब सारा साल दोस्तों के साथ गप्पे ही हांकी हो और सिर्फ एग्जाम से एक रात पहले पढ़कर आप पास कर जाओ तो उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ये भाई साहब भी शायद कुछ इसी तरह के स्टूडेंट ही थे, तभी तो अपने ग्रेजुएशन डे पर नाचते नाचते अपनी डिग्री वसूल करने के लिए प्रिंसिपल के सामने आ रहे थे। लेकिन वो टीचर ही क्या जिसे मस्ती करता हुआ स्टूडेंट पसंद आ जाए, तभी तो वो ऑफेंड हो गया और उसने लड़के को इशारा करके वापस जाने के बोला कि इंसानों की तरह चलकर मेरे पास आओ तभी डिग्री दूंगा। अच्छी खासी मेहनत के बाद जब ये सिंगर बेचारी अवार्ड जीतने में कामयाब हो गई और उस अवार्ड को हवा में लहराकर शो ऑफ कर रही थी तो उसी वक्त बहुत बुरा हुआ। उस बेचारी की ट्रॉफी टूटकर नीचे जा गिरी और सारी खुशी अधूरी रह गई। लाइव बेइज्जती की एक और मिसाल ये व्लॉग है जिसमें ये भाई साहब अपने ग्रुप के साथ ब्रिज पार कर रहे थे। अचानक पुल बीच में से टूटा और सभी पानी में जा गिरे। अब बारी है इस वीडियो की जिसे देखकर हमारी तरह आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि अचानक से ये गाड़ी बिना यू टर्न के सड़क की एक साइड से दूसरी तरफ क्यों आ गई। दोस्तों, अगर आप अभी तक कंफ्यूज हो तो ठहरिए, अभी इस गाड़ी के इधर आने की वजह गाड़ी से बाहर निकलती है। जी हाँ, ये हैवी ड्राइवर थी पापा की परी। वैसे दुनिया भर में कहा जाता है कि वुमेन आर द वर्स्ट ड्राइवर, आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बैडमिंटन की गेम दिखने में चाहे कितनी ही आसान क्यों न लगती हो लेकिन ये फास्टेस्ट रैकेट स्पोर्ट है और बैडमिंटन के इस हाई प्रेशर गेम में उस वक्त इंतहाई दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। जब एक प्लेयर ने पॉइंट स्कोरिंग के लिए शटल को जोरदार स्मैश करने की कोशिश की तो वो शटल उसके रैकेट ही में फंस कर रह गई और ओपोनेंट टीम को मुफ्त का पॉइंट मिल गया। बाद में बेचारा शटल को झाड़ कर दूसरी तरफ फेंकने की पूरी कोशिश करता रहा लेकिन उसमें भी नाकाम रहा। लोग अपने घर की हिफाजत के लिए अक्सर कुत्ते पालते हैं। गेट के उस पार खड़े इस वॉच डॉग के सामने न जाने ये लोग कोई चोर थे या कोई सामान डिलीवर करने आए थे, लेकिन गेट बंद देखकर शेर बनकर उस डॉग का मुंह जरूर चिढ़ा रहे थे और उनकी हरकत शायद अंदर बैठा मालिक कैमरे में देख रहा था। तभी उसने बटन दबाकर अंदर से ऑटोमेटिक गेट खोल दिया और फिर दोनों सर पर पांव रखकर भाग निकले। तो दोस्तों, ये थी वॉइस डेली की आज के एपिसोड, जो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और ऐसी ही मजेदार वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।